टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कौन होगा टीम इंडिया कप्तान, हो गया ऐलान, BCCI सचिव ने किया कंफर्म। गाइस अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। BCCI ने किया कंफर्म कि कौन होगा टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कप्तान, इस बात का हुआ ऐलान और हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कौन है टी20 का कप्तान। गाइस इसे कंफर्म कर दिया गया है और सामने आया है कि ICC टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम की कप्तान रोहित शर्मा करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह ने बुधवार को रोहित शर्मा के नाम पर मुहर लगा दिया। जय शाह ने कंफर्म कर दिया गया है कि USA और वेस्ट इंडीज में जून जुलाई होने वाली ICC के इस गेम इन्वेस्ट में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ही होंगे। से ये सवाल सभी के जहन में था कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी के बाद टी20 विश्व कप में कौन टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, लेकिन अब इस पर से पर्दा उठ गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर अब BCCI के पूर्व निरंजन सहारक दिया गया है। जय शाह ने कहा कि हम भले ही 2023 वर्ल्ड कप हार गए लेकिन लगातार 10 मैच जीतकर हमने दिल जीता है और मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की कप्तानी में बारबाडोस में भारत का झंडा टंगेंगे। रोहित शर्मा जब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर थे तब हार्दिक पांड्या टी20 की कप्तानी कर रहे थे। ऐसी अफवाह थी कि इस बार भी हार्दिक पांड्या टी20 की कप्तानी करेंगे, लेकिन इस पर विराम लग गया है। हार्दिक को फिर रोहित की कप्तानी के अंदर टीम इंडिया में ही खेलना होगा। वही रोहित IPL में मुंबई इंडिया की ओर से हार्दिक की कप्तानी में खेलेंगे। तो गाइस यही थी कुछ जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।